हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम यू अगेन इन आवर क्लास. और आज का हमारा टॉपिक है कॉमन एंड आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एरल हैलाइड. इन यस्टरडे टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द नोमेनक्लेचर, कॉमन एंड आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स. मोस्टली वी हैव डिस्कस्ड द हेलोजन कंपाउंड्स हैविंग एलिफेटिक चेन. ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एरोमेटिक कंपाउंड्स. आज हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है. और आपको ध्यान होगा हमने पिछले वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 2 में आपको जो नोमेनक्लेचर कराया था उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ एक्सरसाइज दी हुई थी, वर्कशीट दी हुई थी जिसमें कुछ नोमेनक्लेचर के एग्जांपल्स थे. तो आई होप आपने वो जरूर सॉल्व कर लिए होंगे. इसे करने से पहले आप उन्हें सॉल्व करके जरूर देख लें. और आज के इस वीडियो के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वर्कशीट मिल जाएगी, उस वर्कशीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप जरूर सॉल्व करें. चलिए शुरू करते हैं कॉमन एंड आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एरल हैलाइड. तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की, ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि ये जो हमारे पास में कंपाउंड है इट इज कॉल्ड बेंजीन. इसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड बेंजीन. इसे बेंजीन कहा जाता है. और अगर बेंजीन में मैं एक हेलोजन को यहां जोड़ देता हूं, ठीक है, इट इज कॉल्ड हेलो बेंजीन. यहां हेलो से मतलब क्या है? हेलो जो है एक्स, जिसको हम हेलो कह रहे हैं, तो हेलो में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है. तो अगर यहां पर आपके पास हेलोजन की फॉर्म में एफ है, देन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, इस तरह से, जैसे बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आने वाला है. सपोज ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल, ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, ये हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है और ये हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है. अब इन एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें. एक को हम कह रहे हैं फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन. ओके, जैसा मैंने कहा था कि हम इन्हें कहते हैं हेलोबेंजीन. तो पहले आपको नाम लिखना है हेलोजन का, उसके बाद बेंजीन एड करना है. तो यहां पर ये है हमारे पास फ्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज ब्रोमोबेंजीन एंड दिस इज आयोडोबेंजीन. तो ये आपके पास जो है ये कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर काम में आते हैं. दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि साथ ही साथ अगर हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में भी आप इसे हेलोबेंजीन कहते हैं. तो ये चीज ध्यान रखें, हेलोबेंजीन इज यूज्ड इन कॉमन एज वेल एज आईयूपीएससी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. दोनों में ही इस सिस्टम को यूज में लेते हैं हेलोबेंजीन की फॉर्म में. लेकिन अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की, तो कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में आपको यह ध्यान देना है कि यह तो बात है केवल एक हेलोजन की. सपोज इफ वी हैव मोर देन वन हेलोजन, अगर हमारे पास एक से ज्यादा हेलोजन है, उस केस में हम इसकी नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे कॉमन सिस्टम में, ठीक है. तो यहां पर देखिए पहला केस, फर्स्ट केस में आप ये देखिए कि आपके पास एक हेलोजन यहां है और एक हेलोजन यहां है, दो हेलोजन है, तो उस कंडीशन में एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, ठीक है. तो उस केस में ये जो पोजीशन है, ध्यान रखें, दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं. दिस इज मेटा, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा. तो ये आपके पास तीन पोजीशन होती है. तो यहां इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजिशन क्या है? दिस इज ऑर्थो, ठीक है. वन मोर एग्जाम्पल, अगर ये इस तरह से होता है लाइक दिस, तो यहां भी आप देखें इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है. अगेन इसे भी देखें आप, इसके रेस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो है. एंड अगेन वन मोर एग्जांपल, इसे भी देखें, तो यहां पर इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है. दैट मींस आप ये ध्यान रखें कि बेंजीन रिंग में एक कार्बन से जो नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वहां पर अगर आपको एक हेलोजन और मिल जाता है तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो. तो यहां पर इन सभी कंपाउंड का नाम जो है वो सेम होगा, दे विल बी कॉल्ड ऑर्थो डाई हेलो, डाई हेलो बेंजीन. इट इज ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन, ठीक है. अब यहां पर अगर मान लीजिए मैं यहां कह रहा हूं कि यहां हमारे पास सीएल लगा हुआ है, देन इट इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. यहां पर अगर मेरे पास में बीआर लगा हुआ है,
देन इट विल बी कॉल्ड ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन. और यहां पर अगर मेरे पास आयोडीन लगा हुआ है देन इट विल बी कॉल्ड ऑर्थो डाई आयोडो बेंजीन. और इफ वी हैव फ्लोरीन हियर इट विल बी कॉल्ड ऑर्थो डाई फ्लोरो बेंजीन. तो ये हो गया हमारे पास ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन. अब ऑर्थो के बाद नेक्स्ट पोजीशन मैंने मेटा बताई है. तो एक इस एग्जांपल को देखें आप. दिस पोजीशन दिस इज मेटा पोजीशन. इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा है यानी एक छोड़ करके यानी अल्टरनेट लेना पड़ेगा आपको फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन. तो अगर इसको फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं देन इट विल बी थर्ड कार्बन. इन नेक्स्ट केस यू कैन सी दिस इज फर्स्ट कार्बन हेलोजन ऑन फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज हेलोजन ऑन थर्ड कार्बन. इन नेक्स्ट केस और इट कैन बी लाइक दिस फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज थर्ड कार्बन. तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मेटा डाई हेलो बेंजीन. ठीक है दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटा डाई हेलो बेंजीन. सपोज वी हैव क्लोरीन हियर. अगर हमारे पास यहां क्लोरीन है then it will be called meta dichlorobenzene. If we have Br here, अगर मेरे पास यहां Br है then it will be called meta dibromobenzene. Suppose I have iodine here, then it will be called meta diiodobenzene. Okay, one more example. इसे consider करते हैं. One halogen is here, another one is here. और वन इज हियर अनदर वन इज इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन एंड अनदर वन इज ओके. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरा डाई हेलो बेंजीन. दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैरा डाई हेलो बेंजीन. तो ये एग्जांपल है पैरा डाई हेलो बेंजीन के. तो पैरा की पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करें आप देखें अगर हेलोजन जहां जुड़ा है बेंजीन रिंग में उसके जस्ट अपोजिट और फर्स्ट और फोर्थ कार्बन की जो पोजीशन है पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन इट विल बी कॉल्ड पैरा डाई हेलो बेंजीन. जैसे अगर यहां पर हमारे पास सीएल है ओके देन इट इज पैरा डाई क्लोरो बेंजीन. इफ वी हैव बी आर हियर देन इट इज पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन. इफ वी हैव आयोडीन हियर देन इट विल बी पैरा डाई आयोडो बेंजीन. तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कॉमन आईयूपीएसी सॉरी कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में आप किस तरह से ऑर्थो पैरा और मेटा पोजिशन को आइडेंटिफाई करते हैं. ओके कभी कभी इन हेलोजन कंपाउंड में एरोमेटिक में एल्काइल ग्रुप भी अटैच हो जाता है हेलोजन के अलावा. उस केस में और आप समझ लें इसे किस तरह से नेमिंग करेंगे. सपोज वी हैव दिस कंपाउंड ये कंपाउंड है हमारे पास. अगर केवल क्लोरीन होता देन इट विल बी कॉल्ड क्या बोला जाता है इसको हम इसे कहते हैं कि इट इज क्लोरोबेंजीन. बट नाउ वी हैव CH3 ऑल्सो. तो CH3 भी हमारे पास है. तो एक चीज ध्यान रखें कि ये जो कंपाउंड है हमारे पास अगर मैं Cl को हटा देता हूं तो केवल जो बचता है हमारे पास इट विल बी कॉल्ड टोलुइन. ये टोलुइन हो जाएगा. ठीक है अब टोलुइन के रेस्पेक्ट में यहां Cl की पोजीशन ऑर्थो है तो आप इसे क्या बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो टोलुइन. इट विल बी कॉल्ड ऑर्थो क्लोरो टोलुइन. एंड अगेन इफ वी हैव CH3 एंड हियर वी हैव Br. अब इसे क्या बोलना चाहिए ये तो टोलोइन है CH3 के साथ में देन इट इज मेटा ब्रोमो टोलोइन. तो ये चीज भी ध्यान रखें आप कि ऑर्थो के लिए आप O का यूज कर सकते हैं मेटा के लिए आप M को यूज में ले सकते हैं एंड फॉर पैरा यू कैन यूज P. पैरा के लिए आप P का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपके पास CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ में अटैच है इन दैट केस यू नेम इट एज अ टोलुइन. टोलुइन की तरह इसको आप नेमिंग करते हैं. ये तो बात हुई इनके कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की.
और अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएससी सिस्टम से नोमेनक्लेचर करते हैं, तो अब जरा हम आईयूपीएससी की बात करें, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी में हम ये कंसिडर करें कि यहां पर हेलोजन लगा हुआ है बेंजीन रिंग में, ठीक है। अब अगर एक ही हेलोजन है, नो प्रॉब्लम, इट विल बी कॉल्ड हेलोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इट मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। और अगर हमारे पास में दो है, तो उस केस में फिर हम यहां पर नंबरिंग करते हैं, हम यहां ऑर्थो पैरा मेटा का यूज नहीं करते हैं आईयूपीएससी में। ध्यान रखना, आईयूपीएससी में वी डोंट यूज ऑर्थो पैरा मेटा। इन आईयूपीएससी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वी यूज ओनली नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, एंड दिस नंबर शोज द पोजिशन ऑफ हेलोजन। ये हेलोजन की पोजिशन को शो करता है। तो जहां हेलोजन जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड वन, वो पोजिशन जो है इसको वन कहा जाता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग करनी है। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज वी हैव हेलोजन एंड हेलोजन हियर, तो दिस हेलोजन इज नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स। तो आपके पास वन और टू पोजिशन पर दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इनकी पोजिशन क्या है, वन और टू पोजिशन है। तो यहां पर जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो आपको इनकी अगर सेम है तो आपको क्या लिखना है, देन यू हैव टू राइट वन टू डाई हेलो बेंजीन, ठीक है ना। तो यहां मैंने इनकी पोजिशन मेंशन की है कि फर्स्ट पोजिशन पर और सेकंड पोजिशन पर हेलोजन है, देन वन टू डाई हेलो बेंजीन, इसको वन टू डाई हेलो बेंजीन बोलेंगे। अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज वी हैव, अगर हमारे पास यहां पर एक बी आर है और एक बी आर मैंने यहां लगा दिया है, अब इसकी पोजिशन आइडेंटिफाई करें, वन टू थ्री, देन वन थ्री डाई ब्रोमो बेंजीन, दिस इज वन थ्री डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोजन्स हैं तो उनको फिर अल्फाबेटिकली आप लिखेंगे। जैसे सपोज यू हैव, अगर आपके पास इस तरह से कि यू हैव क्लोरीन हियर एंड ब्रोमीन हियर, तो आप अल्फाबेटिकली लिखेंगे। लेकिन अब नंबरिंग का ध्यान रखें, नंबरिंग उस तरफ से करें, अगर दो हेलोजन एक साथ आ रहे हैं जो अल्फाबेट में पहले आए, यानी आपको प्रायोरिटी उसको ज्यादा देनी है जो अल्फाबेट में पहले है, दैट मींस ब्रोमो पहले आएगा, वन टू थ्री फोर, ब्रोमो बी से है और क्लोरीन सी से है, दैट मींस अब इसकी नेमिंग करें तो वन ब्रोमो फोर क्लोरो बेंजीन, ओके। तो ये हो गया आपके पास। एक और देखें जिसमें आपके पास जैसे टोलिन जुड़ा हुआ होता है, जहां हमने टोलिन का एग्जांपल लिया था, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ टोलिन, और यहां मैं बी आर को अटैच कर रहा हूं, इसकी नेमिंग करें। तो इसकी नेमिंग करने के लिए आप देखिए, वापस से आप अल्फाबेटिकली चलेंगे, तो आपके पास अगर इस पूरे को मैं टोलिन बोलता हूं, दिस इज कॉल्ड टोलिन, अगर इसे टोलिन कहा गया तो वन टू एंड थ्री, थर्ड पोजिशन पर आपके पास ब्रोमीन है, देन इट विल बी कॉल्ड थ्री ब्रोमो टोलुइन कह सकते हैं, ठीक है। गॉट इट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आईयूपीएससी में इनकी नेमिंग कैसे करनी है और कॉमन में कैसे करनी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, पर आईयूपीएससी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए, कई बार स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है कि एक टर्म और होती है, हम बोलते हैं फिनाइल, ठीक है, कि बेंजीन रिंग को कब तो आपको फिनाइल बोलना है और बेंजीन रिंग को कब बेंजीन बोलना है। कभी कभी इसे फिनाइल भी बोल दिया जाता है, कभी बेंजीन बोल दिया जाता है, तो वो चीज और देखें। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। CH3, CH2, देन CH2, CH2, यहां डबल बॉन्ड, एंड CH2Cl, ओके। और एक एग्जांपल हम यहां ले रहे हैं, दिस इज अनदर एग्जांपल Cl, ओके। देखिए, तो इस तरह के एग्जांपल हम देख ही चुके हैं, आप ये ले लेते हैं। देखिए, तो मेरा कहने का मतलब है, आप ये ध्यान रखें कि अगर
बेंजीन रिंग के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है, तब तो हम उसे बेंजीन ही कह रहे हैं। जैसे अभी अपन ने यहां एक एग्जांपल बनाया था, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे यहां सीएल जुड़ा हुआ है, ठीक, या फिर आप इसको ले लें, यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इन दोनों केसेस में इसको हम बेंजीन बोल सकते हैं। जैसे इसको तो हम कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और इस केस में हम इसे एक तो टोलिन बोलते हैं, जो भी अपन ने बताया था, इट इज टोलिन, बट इन अनदर केस वी कैन ऑल्सो नेम इट एज मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इसे मिथाइल बेंजीन भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मिथाइल के ऊपर बेंजीन जुड़ा हुआ है। अब देखिए आगे इस एग्जांपल को देखें, तो यहां पर जो आपके पास लॉन्ग हाई हाइड्रोकार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड हेलोजन, यानी फंक्शनल ग्रुप इस चेन के अंदर है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ नहीं है। अगर बेंजीन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इन दैट केस आप बेंजीन को बेंजीन ही बोलते हैं। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, बेंजीन किसी हाइड्रोकार्बन चेन पर जुड़ा है, उस हाइड्रोकार्बन चेन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये मेन हाइड्रोकार्बन चेन है, फंक्शनल ग्रुप इसमें है, तो बेंजीन यहां पर बेंजीन नहीं है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह, एक प्रीफिक्स की तरह काम में आ सकता है। तो यहां पर इसको आप फिनाइल बोलेंगे, ध्यान रखें, और इसकी पोजीशन को मेंशन करेंगे। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूं, देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब नंबरिंग में आप इसकी पोजीशन देखें, फिनाइल पी से स्टार्ट होता है और क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, तो पहले अल्फाबेट में कौन आता है, सी, तो यानी पहले इसकी पोजीशन लिखनी है आपको, 1 क्लोरो 1 क्लोरो, देन 5, फिर उसके बाद आपको लिखना है सेकेंड प्रीफिक्स जो है फिनाइल ग्रुप, 4 पोजीशन पर 4 फिनाइल एंड देन 6 कार्बन चेन हेक्स, और हेक्स लिखने के बाद आपको देखना है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, तो यहां आप देख रहे हैं कि सेकेंड पोजिशन पर डबल बॉन्ड है, हेक्स टू इन, ठीक है, तो 1 क्लोरो 4 फिनाइल हेक्स टू इन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहां पर आपने इसको फिनाइल बोला है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि अगर बेंजीन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तब तो आप उसे बेंजीन कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो साइक्लिक चेन है वो बेंजीन ही है। लेकिन अगर बेंजीन पर फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरी हाइड्रोकार्बन चेन पर जुड़ा है, जैसे इसमें जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप यहां पर, और उसका पार्ट है बेंजीन, तो वहां उसे बेंजीन नहीं बोलेंगे, आप उसे फिनाइल कहेंगे। तो यहां पर इसका नाम फिनाइल है, लेकिन यहां दोनों पोजीशन पर मैंने इसको बेंजीन कहा है, क्योंकि डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप यहां पर इससे जुड़े हुए हैं, या CH3 ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको IUPAC एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड वर्कशीट मिल जाएगी, जिसको सॉल्व करके आप जरूर देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए लेक्चर के साथ। बाय।